वेबिनार श्रृंखला के पांचवे दिन में आप लोगों का स्वागत है। नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी बांझपन के विभिन्न पहलुओं और उपलब्ध उपचार विकल्पों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 6 दिनों का एक मुफ्त वेबिनार श्रृंखला फर्टिलिटी के बारे में सब कुछ एवरीथिंग अबाउट इनफर्टिलिटी प्रस्तुत कर प्रसन्न है, जो पूर्वी भारत के अग्रणी आईवीएफ विशेषज्ञों द्वारा होस्ट किया जाएगा। इस वेबिनार श्रृंखला के माध्यम से हमारे प्रख्यात अनुभवी आईवीएफ स्पेशलिस्ट उन दंपतियों का मार्गदर्शन करेंगे जो अपनी प्रजनन यात्रा शुरू करने की योजना बना रहे हैं और जो अपने मातृत्व के सपनों को सुरक्षित और सफलतापूर्वक पूर्ण करने के मार्ग में चल रहे हैं। पांचवे दिन और आज का हमारा टॉपिक है पुरुष और महिला फर्टिलिटी के बारे में जानना। आइए मैं आप लोगों को परिचय कराती हूँ आज के हमारे स्पीकर से, जो हैं डॉक्टर निवेदिता मिश्रा। डॉक्टर निवेदिता मिश्रा ने PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल AK यूनिवर्सिटी से MBBS ऑनर्स गोल्ड मेडलिस्ट और MS OBG पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से प्राप्त किया है। उन्होंने अपना फेलोशिप इन इनफर्टिलिटी और लैप्रोस्कोप की पढ़ाई गुजरात से पूरा किया है। डॉक्टर निवेदिता इनफर्टिलिटी के इलाज करने पिछले 8 साल से कर रही हैं और लैप्रोस्कोपी और हिस्टोस्कोपी करने में वो माहिर हैं। अभी वो नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी रांची में फर्टिलिटी कंसल्टेंट हैं। एक बार फिर से आई वेलकम डॉक्टर निवेदिता और सभी पार्टिसिपेंट्स जो अभी ये लाइव में हैं, मैं आप सब लोगों का इसमें स्वागत करती हूँ। इसके दौरान अगर किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप प्लीज क्वेश्चन आंसर में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। एक बार हमारा ये वेबिनार या सेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर निवेदिता आप लोगों के क्वेश्चन को आंसर दे देंगे। डॉक्टर निवेदिता वेलकम वंस अगेन, ओवर टू यू। हेलो, थैंक यू डायना इंट्रोडक्शन देने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर निवेदिता मिश्रा है। नमस्कार, मैं नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी रांची में इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। तो आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। एम आई ऑडिबल? मैं ऑडिबल हूँ प्रॉपर? यस यस, यू आर ऑडिबल मैम। ओके, तो इनफर्टिलिटी जिसे हम आम भाषा में ज्यादातर निसंतानता या बांझपन के नाम से जानते हैं, बांझपन सदियों से हमारे समाज में एक बहुत बड़ा टैबू है और आज जब साइंस और टेक्निक इतनी एडवांस हो चुकी है तो इस शब्द को हमने ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट यानी अप्रचलित कर दिया है। कारण ये कि अब हम मानते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं नेचुरली या कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सब फर्टाइल हैं, यानी आपको थोड़ी मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी प्रेग्नेंट होने के लिए। अब कब किसी कपल को हम सब फर्टाइल कहते हैं? अगर एक कपल 1 साल से साथ रह रहा हो और नियमित इंटरकोर्स कर रहा हो, कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज ना कर रहा हो तो, और 1 साल के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहा, तो उसे डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, साथ में कुछ जांच और इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि नॉर्मली 85% कपल 1 साल के बाद प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अब ये जो इनफर्टिलिटी है 2 तरह की होती है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जब आप कभी मां ना बनी, और सेकेंडरी मतलब अगर आप एक बार मां बन चुकी हो या एक बार एबॉर्शन हो चुका हो या बच्चा प्रीमेच्योर हुआ हो, तो ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में कहा जाता है। आज के डिस्कशन में हम जानेंगे कि यह समस्या कितनी आम है, कितनी कॉमन है, इसके कारण क्या हैं, इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इसकी क्या बेसिक बुनियादी जांचें हैं जो करके हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। यह समस्या आज बहुत आम हो चुकी है। 10-14% यानी 100 मरीज में से 10-14 इनफर्टिलिटी के हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये हम देख रहे हैं कि आज इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी पोटेंशियल पिछले 50 सालों में इंडिया एज वेल एज दूसरे कंट्रीज के भी ऑलमोस्ट 50% कम हो चुकी है। और इसे 2 एग्जाम्पल से मैं समझा सकती हूँ। जब आज से 10 साल पहले हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हमारी ओपीडी में भीड़ महिलाओं की होती थी जो गर्भपात और लाइगेशन कराने के लिए आती थी।
आज वही भीड़ हमारे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट की हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आप देखें कि एक WHO जो एक इंस्टीट्यूट है और हमारे मापदंड तय करता है, कुछ साल पहले जहां स्पर्म क्वालिटी यानी स्पर्म यानी मेल इनफर्टिलिटी के लिए जितने शुक्राणु चाहिए वो कहीं 30 से 35 मिलियन माने जाते थे, आज वो 15 मिलियन घट के न्यू नॉर्मल माने जाते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों की प्रजनन क्षमता मर्दों एज वेल एज औरतों में कम होती जा रही है और इनफर्टिलिटी के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। शहरों में ज्यादा है लेकिन गांव भी इससे अछूते नहीं रह गए। नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय इसमें तो बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है, ये हम ग्राफ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगला स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर इतनी ज्यादा ये समस्या क्यों बढ़ रही है। हमारे एल्डर्स अक्सर पूछते हैं जब पेशेंट के साथ उनकी माँ या सास आती है कि भाई हमारे समय में तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, आज क्यों। तो अब इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारी सोच, हमारी लाइफस्टाइल इतनी बदल चुकी है कि इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण अगर हम माने तो वह है एज। एज फर्टिलिटी, औरतें पूरी जिंदगी भर फर्टाइल नहीं रह सकती हैं। हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक एक पीरियड में ही एक्टिव रहता है जब हम बच्चा पैदा कर सकते हैं, 20 से 40 साल ये एक मोस्ट फर्टाइल पीरियड के लिए माना जाता है। बहुत बार एजुकेशन करियर के लिए हम मैरिज प्रमोट आगे बढ़ाते जाते हैं, मैरिज के बाद बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, बच्चों की प्लानिंग लेट से होती जाती है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा राइज हो रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि जो नॉर्मल कपल एक महीने में सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी ट्राई कर रहा हो तो जहां उसकी सक्सेस 20% है, वही जहां उसकी एज 35 साल के ऊपर हो जाती है वही सक्सेस रेट 10% आ जाता है। साथ में एबॉर्शन के रेट्स भी बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है। बच्चा पैदा करना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, प्रोक्रिएशन एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें हमें कुदरत को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, अपने करियर के साथ हमें अपनी रिप्रोडक्टिव ड्यूटीज यानी प्रजनन क्षमता का भी उतना ही ध्यान रखना जरूरी है। अब एक चीज है कि बहुत लोग ये कहते हैं, ये मिसकंसेप्शन है लोगों में कि अगर प्रेगनेंसी नहीं नेचुरली हो पा रही है तो हम IVF से करा लेंगे। तो ये बात आप क्लियर कर लें कि IVF की सक्सेस रेट भी बढ़ते एज के साथ कम होती जाती है। जो IVF सक्सेस आपको 30 के कम में देता है वही सक्सेस रेट 40 में नहीं मिलता, उसमें 10% कमी आ जाती है। साथ ही में आपके एबॉर्शन का रेट भी बढ़ता जाता है क्योंकि क्वालिटी खत्म हो जाती है, भ्रूण अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, बच्चा नॉर्मल और हेल्दी पैदा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट कारण है वो हमारी लाइफस्टाइल है। हमारे लाइफस्टाइल में आज स्ट्रेस है ही, हम प्लान करते हैं और अगर हमारी प्रेगनेंसी नहीं होती उस महीना तो हमारा स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है। तो ये प्लानिंग और कांस्टेंट स्ट्रेस का चक्कर जो है ये कांस्टेंट चलता रहता है। साथ में धूम्रपान, शराब, एडिक्शन, कॉमनली बाहर प्रिजर्वेटिव एडेड फूड्स, केमिकल और पेस्टिसाइड से भरे फूड, ओबेसिटी, ये सारा कुछ हमारे हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देता है। तीसरी चीज जो देखने में आती है वो है कि बहुत बार कपल्स जो नहीं कंसीव कर पा रहे हैं वो इंटरनेट से ही गलत सोर्सों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, डॉक्टर को दिखाने में देर कर देते हैं, लेट कर देते हैं और उनका ये जो इम्पोर्टेंट एज है ये इम्पोर्टेंट समय निकल जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आप समय पे डॉक्टर के पास जाएं, हिचकिचाएं नहीं और सही मार्गदर्शन पाएं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके वो इनफर्टिलिटी चिकित्सक के पास जाना है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अगर एक कपल एक साल में कंसीव नहीं कर पा रहा हो और इस पीरियड में उसने कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज किया हो, जैसे कॉन्डोम या आई पिल्स या इनफर्टिलिटी OCP नहीं यूज किया हो तो उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन यह गोल्डन रूल नहीं, अगर महिला की आयु 35 से अधिक हो या पुरुष की आयु 40 से अधिक हो तो यह 6 महीने में ही आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपका गर्भपात हो चुका हो 2-3 बार तो आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है। अगर आपकी पहले कोई सर्जरी हुई हो जो आपके फर्टिलिटी को कम कर दे, जैसे चॉकलेट सिस्ट या इंडोमेट्रियोसिस या यूट्रस पे कोई सर्जरी हुई हो, या पुरुषों में अगर हर्निया की सर्जरी हुई हो, वास डिफरेंस पे कोई सर्जरी हुई हो, कभी चोट लगा हो, कभी इंग्विनल मंप वगैरह हो, तो आप डॉक्टर को दिखाने में लेट ना करें बल्कि जितनी जल्दी हो अपना उपचार शुरू करें। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अब जाने कि किस पे कितना बोझ है। आज तक तो औरतों पे ही इनफर्टिलिटी का सारा दोष दिया जाता था और आज भी ओपीडी में ज्यादातर पहले विजिट में औरतें ही अकेले आती हैं या अपने फ्रेंड्स या एल्डर्स के साथ आती हैं।
लेकिन ये समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम एक कपल की है, ये एक इंडिविजुअल स्त्री या पुरुष की नहीं, बल्कि इनफर्टिलिटी एक कपल की प्रॉब्लम है, जिसमें से एक तिहाई कारण महिलाएं होती हैं, एक तिहाई पुरुष, और एक तिहाई का कारण दोनों होते हैं। नेक्स्ट, तो पहले हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं पुरुष बांझपन और महिला बांझपन के, और इनकी जांच क्या है। तो पहले सबसे जरूरी है पुरुष बांझपन, जो आज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। आज पुरुष 50% इनफर्टिलिटी के कारण बन चुके हैं। पुरुषों में जो गैमेट्स होता है उसे स्पर्म कहते हैं। इसके तीन क्राइटेरिया होने चाहिए, इसकी क्वांटिटी यानी इसका नंबर, इसकी मात्रा सही होनी चाहिए, यह गतिमान होना चाहिए यानी यह मोटाइल होना चाहिए, और यह इसमें कोई रचनात्मक या इसकी मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी यह प्रेगनेंसी दे सकता है। पुरुष 50% के साथ साथ आज वर्तमान युग में पुरुषों में स्ट्रेस इंड्यूस बहुत ज्यादा स्पर्म में प्रॉब्लम दिख रही है, और यह ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक बनता जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड, पुरुष बांझपन जब हम डायग्नोस करने चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम 60% तो बहुत बार जांच से कारण पता कर सकते हैं, लेकिन 30-40% टाइम्स हमें कोई कारण नहीं मिलता है, या हमारे पास जो जांच उपलब्ध है आज के डेट में वो ये डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। तो पहले देखेंगे कि व्हाट इज द नॉर्मल, कैसे हमारे ये शरीर में स्पर्म्स कैसे बनते हैं पुरुषों के शरीर में, और किस लेवल पे प्रॉब्लम आती है जो पुरुष बांझपन होता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। पुरुषों के बॉडी में दो अंडकोश होते हैं जो शरीर के नीचे स्क्रॉटम में होते हैं, इसे टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है जो स्पर्म बनाता है, इसको हम फैक्ट्री मान सकते हैं, और इसका कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास। ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। 16-17 साल के बाद जब हार्मोन सिक्रीशन नॉर्मल शुरू हो जाता है तो स्पर्म बनना शुरू होते हैं। अब ये स्पर्म बनने के बाद बॉडी के बाहर फीमेल ऑर्गन में थ्रू वास डिफरेंस एपिडाइडमिस के थ्रू जाते हैं। तो इसको अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो स्पर्म प्रोडक्शन अगर एक फैक्ट्री यूनिट है तो इसका कंट्रोल यानी मैनेजमेंट अपर ब्रेन जो हमारा है वो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के पास है। ये ऑर्डर्स इन फॉर्म ऑफ हार्मोन्स देते हैं, गोनाडोट्रोपिन, FSH-LH हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये फैक्ट्री को ऑर्डर मिलता है कि आप स्पर्म प्रोड्यूस करो, और जब स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होता है तो ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू बाहर जाता है। मेल इनफर्टिलिटी दो तरह की होती है। पहली है जो आपके सीमेन में प्रॉब्लम आता है, यानी स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी कम होती है। दूसरी, अगर आप इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हो। तो पहले हम बात करेंगे कि सीमेन में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, स्पर्म में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। सबसे पहले अगर हायर ऑर्डर यानी हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के हार्मोन्स अनियमित हो जाते हैं या एक्स्ट्रा या कम ज्यादा हो जाते हैं, तो नेचुरली शंक्राणु पैदा करने की शक्ति कम हो जाती है। बहुत बार हम देखते हैं कि एडल्ट मेल्स जो 25-26 साल के हैं, उनकी आवाज पतली रह गई, या उनके फेशियल हेयर्स दाढ़ी मूछ नहीं आई हो, ये सब कालमन सिंड्रोम, पिट्यूटरी ट्यूमर, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया और कई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज के कारण भी होता है। तो पहला लेवल यहाँ आता है जब हॉर्मोन्स एबनॉर्मल हो, सिग्नल ही प्रॉपर ना मिल रहा हो, और टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस ही ना कर पाए। तो पहला लेवल जो है ये हमने समझा कि ऊपर से नीचे कैसे हॉर्मोन्स के ऑर्डर्स पे स्पर्म बनता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है टेस्टिस के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनता है। ये फैक्ट्री है। अगर यहाँ कभी चोट लग गई हो, कभी कोई सर्जरी इंग्विनल हर्निया की हुई हो, या मम्स हुआ हो, या आपने कोई कैंसर की दवा खाई हो, ये सब कुछ सारे कारण आपके स्पर्म की मोटिलिटी नंबर्स, उसके मॉर्फोलॉजी सबको इफेक्ट करते हैं और स्पर्म काउंट एबनॉर्मल कर देते हैं। दो क्रोमोसोमल यानी जेनेटिक बीमारी होती है, जैसे क्लाइनफेल्टर और वाई माइक्रोटिलेशन, जिसमें आपके स्पर्म प्रोडक्शन एबनॉर्मल हो जाते हैं या निल हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। थर्ड है जो पाथवे यानी पासेज में जो प्रॉब्लम आती है। ये पासेज जो है वास डिफरेंस और एपिडाइडमिस का पासेज है। अगर वंशानुगत कभी आपके पास वास जनजात वास एब्सेंट हो, तो वो स्पर्म बाहर नहीं निकल सकेगा, बनने के बावजूद भी शरीर में ही रहेगा और आपके सीमेन में यानी वीर्य में स्पर्म एब्सेंट है। अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हो, किसी पुरुष नसबंदी आपने कराया हो, तो नेचुरली इसमें आएगा नहीं। और तीसरा है कि अगर वो आगे की ओर ना जाके पेशाब की थैली में आने लगे, जिसे हम रिट्रोग्रेड इजाकुलेशन कहते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स हुए अगर शक्राणु में प्रॉब्लम है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड।
तीसरी है कि अगर इंटरकोर्स ही ना कर सकें, जैसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या सॉरी इजैकुलेटरी डिसफंक्शन जो है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसमें अगर पुरुष संभोग ना कर सके, उनके ऑर्गन में इजैकुलेटरी प्रॉब्लम हो, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, तो आप संभोग ही नहीं हो सकता है, सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी जो स्पर्म्स होते हैं, जो मेल के गैमेट्स होते हैं, वो स्त्री के योनि में नहीं पहुंच सकते और गैमेट्स का फ्यूजन यानी भ्रूण बन नहीं पाता है। इसमें बहुत ज्यादा रोल साइकोसोलॉजिकल कंडीशंस हैं, साइकोसोमैटिक, आपको सेक्सोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके इसे ऑफन मिलने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, कुछ दवाएं जैसे गठिया, एंटी डायबिटीज की दवाएं, एंटी हाइपरटेंसिव, ये सारे जो है सेमिनिफेरोस्टिबुल्स और स्पर्म पे इफेक्ट डालते हैं, स्पर्म की पैरामीटर्स को चेंज कर देते हैं। तो अगर बहुत लंबे समय तक ये दवाई दिया जाए तो इसका असर आपके स्पर्म पे पड़ता है, आपके सीमेन पे पड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, एक चीज बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी जीवन शैली बदल रही है, हम कॉन्स्टेंटली रेडिएशन एक्सपोजर में हैं, मोटापा में हैं, पुरुषों में बहुत बार हम टोबैको, हुक्का और अल्कोहल देखते हैं, जो सारे ये कारण हैं जो हमारे स्पर्म की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। इस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आगे से अगर आपको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने आप में रिट्रोस्पेक्शन करना है कि क्या हम ये सब कर रहे हैं। मोटापा एक बहुत बड़ी महामारी बनती जा रही है और ये हार्मोनल असंतुलन कर दे रहा है जिसकी वजह से प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं पा रहा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है, सबसे चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो टेस्टिस है, अंडकोश है पुरुषों में, वो शरीर से नीचे होता है क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है। अगर शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री है, यह भी इसके लिए बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये 1 डिग्री नीचे रहता है। तो अगर किसी भी कारण से इसके आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे टाइट अंडरगार्मेंट, आप बार लैपटॉप में बहुत देर काम कर रहे हैं, बहुत रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, या बहुत देर खड़े हैं और गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो इसके आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने में कमी आनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बहुत बार ये खत्म भी हो जाता है। बहुत सारे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स भी माने जाते हैं, जैसे अगर आपको इंडस्ट्री, एस्बेस्टस इंडस्ट्री, हमारे एक्सरे टेक्नीशियंस जो रेडिएशन से कॉन्स्टेंटली एक्सपोज होते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम करते हैं या फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ये मेल्स बहुत ज्यादा पर्यावरण कारण यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। अगला टॉपिक जो है वो है महिलाओं के बारे में, जो अनदर 30% कॉज जो इनफर्टिलिटी का इनकी वजह से है। पहले महिलाओं, नेक्स्ट स्लाइड, महिलाओं प्रेगनेंसी कैसे होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए तो पहले हम समझ चुके कि हमें स्पर्म प्रॉपर अमाउंट मात्रा में होनी चाहिए, सीमेन एनालिसिस जो मर्दों का हम करते हैं, वीर्य का परीक्षण, वो नॉर्मल को आना चाहिए। उसके बाद आता है औरतों में, औरतों में होते हैं 2 अंडकोश जिसे ओवरी कहते हैं। ओवरी से एग बनता है, कभी राइट कभी लेफ्ट से एक ओवरी हर एक एग हर मंथ बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है 2 ट्यूब्स, ये ट्यूब्स ओवरी और यूट्रस को कनेक्ट करते हैं, ओवरी से एग लेते हैं, भ्रूण बनाते हैं और ये भ्रूण यूट्रस में डालते हैं। यूट्रस यानी गर्भाशय, जो बेड है जहां भ्रूण आके चिपकता है और ग्रो करता है। तो इन तीनों में कहीं किसी लेवल पे भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट समझेंगे किस स्टेप पे क्या प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। महिलाओं में कारण अंडाशय में हो सकता है, जो जनरली हमारे पास सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम आती है वो है ओवरीज की। अगर 4 इनफर्टाइल पेशेंट होते हैं तो उसमें से 1 में अंडाशय की प्रॉब्लम ही कॉमन है। सेकेंड 25% से 30% होते हैं ट्यूब्स के और तीसरा है गर्भाशय का। लास्ट कारण अनएक्सप्लेन्ड है, जिसमें बहुत बार सामने से कोई कारण नहीं पता चलता है लेकिन वो हम बाद में जब IVF करते हैं, ICSI करते हैं तो कारण सामने आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो पहली है कि अंडाशय, जो अंडाशय में या तो अंडा बनता नहीं है या अंडा फूटता नहीं है। एक चीज जानना जरूरी है कि सारी महिलाएं एक सीमित अंडों के साथ हमारा जन्म होता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी स्त्री हो, वो माँ के पेट से ही या माँ के जब हम भ्रूण की स्थिति में रहते हैं, हमारे पास एक सीमित अंडकोश अंडा की सीमित अमाउंट में आता है और इसके नष्ट होना हमारे जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, हर महीने ये नष्ट होती जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड।
इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसे अंडों की संख्या सीमित होती है और वो धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, लेकिन ये नष्ट होना दुगनी रफ्तार में हो जाता है जब हमारी एज 33 से ऊपर हो जाती है। हमारे अंडे दुगनी स्पीड में नष्ट होने लगते हैं, साथ में हमारे अंडों की क्वालिटी भी खराब होती जाती है। जो अंडे हमारे पास 20 साल में होते हैं वही अंडे 40-35 साल में नहीं रह जाते हैं। तो इसकी वजह से अंडों की क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जो कॉमन नेक्स्ट स्लाइड, जो कॉमन बीमारी अंडों के कारण होता है वो है, सबसे कॉमन जो हमें है वो है PCOS, जिसके बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा थायराइड प्रोलैक्टिन, एक गाड़ी को चलाने के लिए जैसे पेट्रोल के साथ इंजन ऑयल की जरूरत होती है, वैसे ही थायराइड और प्रोलैक्टिन एक इंजन ऑयल है जो हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन जिसके बिना काम नहीं कर सकता है। ये प्रेगनेंसी पीरियड्स एज वेल एज आपके प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू करने, आपके मिसकैरेज नहीं होने, सब कुछ में इनका उतना ही रोल है जितना कि आपको कंसीव कराने में। इसके नेक्स्ट है एक बहुत कॉमन, आजकल तो कॉमन होता जा रहा है, वह है प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर यानी समय से पहले अंडों का बनना बंद हो जाना। यूजुअली मेनोपॉज हमारा 45 से 50 साल में आता है, लेकिन अगर 40 साल से पहले ही आपके अंडे बनने बंद हो जाएं, तो उसे प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। इसका कारण बहुत स्पेसिफिक तो नहीं पता चलता, लेकिन बहुत सारे या तो हार्मोनल, या तो आपकी जेनेटिक कंडीशन बहुत बार होती है, कोई जेनेटिक संरचना में कोई प्रॉब्लम होती है, या आपके घर में यह हेरिडिटरी आ रहा हो, आपके घर में जल्दी मेनोपॉज की हिस्ट्री हो, कभी ऑटो इम्यून यानी बॉडी आपके अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देती है, फिर सबसे आज तनाव, स्ट्रेस और खान पान एज वेल एज एक्सरसाइज के डिफरेंसेस के कारण भी हमारे एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी कम होती जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड। और फिर पहला बात PCOS की बात करेंगे। 10 में से 6 पेशेंट आज PCOS के होते हैं। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तब कहते हैं जब यूजुअली पेशेंट हमारे पास एबनॉर्मल पीरियड, इरेगुलर पीरियड, कम माहवारी आना या लेट से आने का कंप्लेन लेके आते हैं। दूसरी कंप्लेन वजन बढ़ना या त्वचा की समस्याएं, एक्नी आना, बाल झड़ना ये सब, और लास्ट इज इनफर्टिलिटी जो काफी कॉमन है। अब PCOS कब कहते हैं? PCOS तब कहते हैं अगर 3 में से 2 कंडीशन हो। पहला, या तो आपके अंडे बन नहीं रहे हो या फूट नहीं रहे हो, या आपके पीरियड से रेगुलर हो रहे हो। दूसरा है अगर मेल हॉर्मोन्स आप में ज्यादा हो गया हो, जैसे आपके फेस में कभी मुहासे आने शुरू हो जाएं, आपके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाए, बालों का झड़ना शुरू हो जाए। और तीसरा, अगर अल्ट्रासाउंड में ओवरीज दिखती हैं, अगर ओवरीज में पिक्चर दिखता है हमें पॉलिसिस्टिक ओवरी का, तो हम इसे PCOS कहते हैं। PCOS एक हार्मोनल इम्बैलेंस। नेक्स्ट स्लाइड। PCOS बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है और बहुत इजीली क्योरेबल भी है। PCOS के पेशेंट, जितने ज्यादा पेशेंट इनफर्टिलिटी के PCOS के होते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये बहुत ज्यादा क्योरेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये लाइफस्टाइल और वजन घटाने से ही, सबसे पहले आप नेचुरल ओवुलेट करना शुरू कर देते हैं। अगर ना कर पाए तो थोड़े मेडिकल असिस्टेंस, कुछ दवाएं, कुछ इंजेक्शन के द्वारा आपके एग्स बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास अच्छे एग्स का रिजर्व होता है। तो PCOS कॉमन है बट इट इज ट्रीटेबल, ये इलाज के द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप। अगला है हमारे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर की एक नली होती है जो ओवरी यानी जहां अंडा बनता है उसको और यूट्रस गर्भाशय को जोड़ती है। इसके ऑक्टोपस जैसे जो पार्ट होते हैं वो अंडे को लेते हैं और ट्यूब में ही भ्रूण बनता है। स्पर्म बॉडी में जब आता है यूट्रस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और यहाँ अगर सही समय पे भ्रूण, अगर एग और स्पर्म मिले, जैसे एग की लाइफ 24 घंटे की होती है और स्पर्म की हम 48 से 72 घंटा मानते हैं, इस बीच अगर मिले तो भ्रूण बनता है और इस भ्रूण बनने के बाद फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ही यह यूट्रस में आता है। अगर फैलोपियन ट्यूब क्षतिग्रस्त हो, जो ज्यादातर फैलोपियन ट्यूब के कारण अगर आप में निसंतानता या सब फर्टिलिटी है, उसका 25 से 35% कारण ट्यूब्स होते हैं। अगर इस पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पहली बात अंडा जगह पे नहीं आएगा, स्पर्म और अंडा मिल नहीं पाएगा, भ्रूण बनने में प्रॉब्लम होगी और वापस ये यूट्रस में जाने में भी उतनी ही प्रॉब्लम होगी। अब क्या कारण हो सकते हैं ट्यूब में प्रॉब्लम के? कभी कभी यह वंशानुगत या आपकी जन्मजात भी होता है कोई प्रॉब्लम, लेकिन कॉमनेस्ट कारण जो हम देखते हैं ट्यूब में पैथोलॉजी या ट्यूब में प्रॉब्लम की, वह है जेनिटल टीवी। हमारे देश में जेनिटल टीवी बहुत कॉमन है। जेनिटल टीवी डायग्नोस करना यानी योनि का टीवी यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक का टीवी डायग्नोस करना भी उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि यह पॉसिबेसिलरी कंडीशन है, इसमें बैक्टीरिया कम होते हैं। लंग टीवी जो होती है, छाती की टीवी, उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं, वो डायग्नोस करना ज्यादा ईजी है बशर्ते हम इस टीवी को डायग्नोस, इसीलिए इसे एनिग्मा भी कहा जाता है यानी एक मिस्ट्री कहा जाता है।
अगर पीआईडी या इन्फेक्शन के वजह से भी बहुत बार टीवी ये ट्यूब्स खराब हो जाते हैं, अगर ट्यूब खराब है तो प्रेगनेंसी होना एक बहुत मुश्किल काम हो जाती है। अधिकांश महिलाएं जिन्हें ट्यूब में प्रॉब्लम होती है वो उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होता या वो कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स लेके नहीं आती, बहुत बार ये ट्रीटमेंट पे या डायग्नोसिस जब हम डायग्नोस्टिक करते हैं तभी हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है। एक और प्रॉब्लम ट्यूब बंद ट्यूब्स जो है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी भ्रूण अपने नॉर्मल जगह यूट्रस की जगह ट्यूब में फंस जाता है, भ्रूण यहाँ ग्रो नहीं कर पाता और कभी कभी ट्यूबल रप्चर होने के चांसेस होते हैं, यानी ट्यूब के फटने के चांसेस होते हैं जो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग, यानी महिलाओं की जान पे बहुत ज्यादा खतरा होता है इस प्रॉब्लम से। नेक्स्ट स्लाइड। अगला कंडीशन है इंडोमेट्रियोसिस। ये शब्द हम बहुत बार सुनते हैं क्योंकि 10 में से एक महिलाएं आज इंडोमेट्रियोसिस से सफर कर रही हैं। पहली चीज है कि इंडोमेट्रियोसिस की क्या है। इंडो हर महीना जैसे अंडा फूटता है और बनता है, बड़ा होता जाता है, उसी तरह से महिलाओं का गर्भाशय जो है एक अंदर की निचली परत होती है गर्भाशय में, वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी होती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती तो ये अंदर की परत जिसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं वो बाहर की तरफ शेड ऑफ हो जाती है, निकल जाती है। इंडोमेट्रियोसिस का मतलब है कि अगर ये निचली जो अंदर की परत इंडोमेट्रियम अपनी जगह यूट्रस के अलावा और भी जगह पे हो, जैसे यूट्रस के मस्कुलर लेयर में, अंडेदानी में, आपके ओवरीज में, आपके इंटेस्टाइन में हो जाए तो इसे इंडोमेट्रियोसिस कहेंगे। अब महावारी के समय तो अंदर की परत निकल जाती है यूट्रस के अंदर से, लेकिन ये जो एक्टोपिक जगह पे हैं, जो अलग जगहों पे हैं, इन्हें कहीं से एक्सिट नहीं मिलता, ये इसमें जमा हुआ ब्लड बाहर निकल नहीं पाता। अब जब ब्लड निकल नहीं पाता तो ये अंदर ही जम के एक सिस्ट बना देता है जिसे हम कॉमनली चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। सिस्ट बनाने के साथ साथ ये बहुत चिपकाहट पैदा कर देता है, जो नॉर्मल एनाटॉमी है ट्यूब, ओवरी और यूट्रस की, उसे डिस्टर्ब कर देता है। ट्यूब में चिपकाहट आ जाती है, अंडेदानी चिपक जाती है, चॉकलेट सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं, ये इनफर्टिलिटी का कारण बहुत बड़ा बन जाता है। अब इसके लक्षण यूजुअली होते हैं बहुत ज्यादा पेन, अगर पीरियड में बहुत ज्यादा पेन जनरली पहला कंप्लेन होता है। मरीज जो हमारे पास इनफर्टिलिटी के आते हैं उसमें 40% महिलाओं को इंडोमेट्रियोसिस होता है। अगर ये ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको संभोग के दौरान या मोशन के दौरान भी पेन होना शुरू हो जाता है। साथ में अब लोग पूछते हैं इसका कारण क्या है। इसके बहुत सारे थ्योरीज हैं, कोई अभी तक प्रॉपरली प्रूवन नहीं है। एक थ्योरी ये है कि जिस महीने के ब्लड को बाहर आना होता है उसमें से अगर कुछ पार्ट अंदर की ओर जाने लगे, जिसे हम रिट्रोग्रेड मेंसेस कहते हैं, तो भी इंडोमेट्रियोसिस के चांसेस बनने लगते हैं। बहुत बार इसमें कोई लक्षण नहीं होता है, जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तभी मिलता है। इसका डायग्नोसिस इज वेरी डिफिकल्ट, ये हिस्ट्री ज्यादातर आपकी हिस्ट्री से पता चलती है, और अगर कोई कारण ना मिले और हम लैप्रोस्कोपी करें तो हमें इंडोमेट्रियोसिस दिखता है आंखों से, आपके पेट के अंदर, आपके ओवरीज में। नेक्स्ट स्लाइड। अगला है कि हमारे यूट्रस के बारे में। यूट्रस जो है जहाँ एक बेड है जहाँ पे भ्रूण को आके इम्प्लांटेशन होना होता है, यानी चिपकना होता है। इसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए तो भ्रूण बनने के बावजूद भी आपके ओवरीज अच्छे हैं, आपके ट्यूब्स अच्छे हैं, आपका भ्रूण बन रहा है, इवन IVF में अगर हम भ्रूण बना के डाल रहे हैं लेकिन जगह ही सही नहीं हो तो वो कैसे पनपेगा। इसमें जो कॉमन कंडीशन है वो है पॉलिप, एक अंगूर जैसा ग्रोथ, या फाइब्रॉयड। फाइब्रॉइड यूट्रस के मस्कुलर लेयर का एक ग्रोथ होता है, फोकल ग्रोथ होता है। इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, बहुत बार जेनेटिक कारण होते हैं, हार्मोनल कारण होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉज बताना पॉसिबल नहीं है। ये एक फोकल मस्कुलर ग्रोथ हो जाता है, अगर ये अंदर की ओर आ जाए तो ये पॉलिप या फाइब्रॉइड एक कॉपर्टी की तरह काम करता है, यानी इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देगा, प्रेगनेंसी ही नहीं होने देता है। इसलिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप प्रेगनेंट नहीं हो पा रहे हो तो आपके अल्ट्रासाउंड में ये पिक करना होता है कि अगर आपको पॉलिप या फाइब्रॉइड नहीं हो। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, जिसे हम PID कहते हैं। तीसरी चीज है कि आपने देखा है कि बहुत जन्मजात प्रॉब्लम्स हैं यूट्रस में, कभी यूट्रस छोटा होता है या उसमें एक पर्दा होता है या पार्टीशन होता है, जिसकी वजह से वो उसकी साइज प्रॉपर नहीं होती और प्रेगनेंसी के लिए वो प्रॉपर नहीं है, तो नेचुरल प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाती। नेक्स्ट। अगला है ये अनएक्सप्लेन। 15% कारण अनएक्सप्लेन कारण हमें नहीं पता चलता शुरुआती बुनियादी जांच पे। ये दो स्टेप पे हो सकता है, या तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा हो, यानी स्पर्म और ओवरी मिल ही नहीं पा रहे, स्पर्म और एग मिल नहीं पा रहे, या इम्प्लांटेशन यानी यूट्रस में नहीं हो पा रहा है। ये जब हम IVF एक्सी करते हैं तो बहुत बार हम देखते हैं कि ये कारण पता नहीं चलने की वजह अनएक्सप्लेन कारण हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। अब कब जाएं डॉक्टर के पास।
ये तो हम जान ही चुके हैं कि हम अगर एक साल से हम ट्राई कर रहे हो और अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज कर रहे हैं, तो जरूर डॉक्टर से मिले, क्योंकि हमारे अंदर क्या कमी है या क्यों नहीं हो रहा है ये जानना पहले जरूरी है. किसी भी चिकित्सकीय इलाज से पहले ये जानना कि हम हमारे में प्रॉब्लम क्या है, ये इम्पोर्टेंट है. लेकिन एक साल एक गोल्डन रूल नहीं है. अगर आपकी एज 35 साल से ऊपर हो चुकी है, आपके हस्बैंड भी एज में ज्यादा हो रहे हैं, 35-40 ईयर्स हो रहे हैं, तो आप 6 महीने से ज्यादा वेट ना करें. अगर आपकी पीरियड्स इरेगुलर हो रही हो तो भी आपके डॉक्टर को जितनी जल्दी हो मिलिए. पीरियड्स में पेन हो रहा हो, जैसे फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रोसिस की शंका हो रही हो, तो जरूर डॉक्टर से मिले. अगर गर्भपात हो चुका हो, अगर 2-3 बार या पेल्विक सर्जरी हुई हो, जैसे कभी फाइब्रॉइड रिमूवल हुआ हो या ट्यूब खोलने की सर्जरी की गई हो या एंडोमेट्रोसिस के लिए कोई सर्जरी की गई हो, जरूर डॉक्टर से मिले. कुछ बीमारी ऑटो इम्यून होती है जिसमें अपना बॉडी खुद से रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, अपने ही ऑर्गन को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करते हैं. और अगर आप को कैंसर हो या आप प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं, तो बहुत ऑफर्स होते हैं, हम सीमेन स्पर्म फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग करते हैं, ताकि आपकी फर्टिलिटी अगर किसी कीमोथेरेपी या कैंसर की वजह से खत्म हो जाए तो एटलीस्ट आप प्रेग्नेंट हो सको, अपने अंडे से, अपने शुक्राणु से वो प्रिजर्व कर दिया जाता है. थैंक यू. सॉरी, नेक्स्ट. अब बांझपन की क्या है, निसंतानता के लिए हम सबसे पहले क्या बुनियादी जांचें करते हैं? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो यूजुअली हमारी कंप्लेन होती है कि हमें बहुत ज्यादा जांच कर दिया गया हो. लेकिन अभी पहले डिवाइड करके हम समझें कि क्या बेसिक जांच है और कब हमें ज्यादा जांचों की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. 50% कारण तो हमारी हिस्ट्री से ही मिल जाता है. यानी जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, कुछ बेसिक टॉपिक्स रहते हैं, जो कुछ क्वेश्चन सवाल आपसे पूछा जाता है. पहला है कि आपके नॉर्मल एग्जामिनेशंस, आपकी जो है सामान्य स्वास्थ्य कैसी, आपका BMI, यानी आप ऐसा तो नहीं कि आपकी हाइट के लिए आपका वजन ज्यादा है, आप कभी धूमपान सिगरेट स्मोकिंग ये तो नहीं कर रहे हो, या आप एक्सेस स्ट्रेस में हो, कितनी फ्रिक्वेंटली आप इंटरकोर्स करते हो, साथ में अगर कोई मेडिसिन पे हो, कोई केमोथेरेपेटिक एजेंट ले रहे हो, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, अगर आपके घर में जल्दी मेनोपॉज की हिस्ट्री तो नहीं है. दूसरी, अगर आपने कभी चिकित्सा कुछ किसी चीज की ट्रीटमेंट ली हो, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कोई सर्जरी, और आपके पीरियड्स कैसे आते हैं, कम आते हैं, बंद हो गए हैं या लेट से आते हैं, ये सारे हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड. महिलाओं की जांच पहले समझेंगे. महिलाओं की जांच को हम 3 स्टेप में डिवाइड कर देते हैं. पहला है ब्लड टेस्ट, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड. तो ब्लड टेस्ट में आता है पहला जनरल टेस्ट. कि जनरल टेस्ट यानी आपका CBC, आपके हीमोग्लोबिन कितने हैं, आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं, आपके TC, DC ये सब देखे जाते हैं. शुगर देखा जाता है, क्योंकि ब्लड शुगर और डायबिटीज क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों पे इफेक्ट करते हैं. आपका ग्रुप क्या है, कहीं हस्बैंड से आपका मैच ना कर रहा हो तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है. दूसरे टेस्ट आते हैं हॉर्मोन्स के. हॉर्मोन्स जो बेसिकली आप पहली बार अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो कुछ बेसिक टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है थायराइड, प्रोलैक्टिन और AMH. थायराइड प्रोलैक्टिन आपके नॉर्मल पीरियड्स, आपके नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज अंडा बनने के लिए बहुत जरूरी है. ये आपकी प्रेगनेंसी होने और एज वेल एज इसको कंटिन्यू करने, गर्भपात ना हो और प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे, इसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है AMH. AMH होता है ओवेरियन रिजर्व का टेस्ट. जैसा हम जानते हैं कि हम एक सीमित अंडे को लेके पैदा होते हैं, एक लिमिटेड क्वांटिटी को लेके पैदा होते हैं, तो ये वही टेस्ट है जो हम जानते हैं कि हमारे पास कितने एग्स हैं, हमारे एग्स अभी इस एज में कितने हैं हमारे दोनों ओवरीज में, और हम कितने दिन तक नॉर्मली ट्राई कर सकते हैं, या हमारे प्रायोरिटी को डिटरमिन करने में यह हेल्प. अभी हमें कितना टाइम है हमारे पास अपने अंडों से नॉर्मल प्रेगनेंसी करने का, या हमें एक्टिवली कोई ट्रीटमेंट लेना शुरू करना है. इसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं हॉर्मोन्स के, जो अगर हमें कोई प्रॉब्लम दिखता है, जैसे FSH, LH, अगर PCOD दिखता है तो हम इंसुलिन या एंड्रोजन टेस्ट कराते हैं. अगर लगता है कि आपका ल्यूटियल फेज डिफिशियंसी हो रही है तो हम साथ में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन भी टेस्ट कराते हैं. ये स्पेसिफिक टेस्ट है जो आगे कराए जाते हैं. तीसरा था इन्फेक्शन का. इन्फेक्शन जैसे VDRL, HIV, हेपेटाइटिस बी, पैप स्मियर, सर्वाइकल स्वाब, वजाइनल स्वाब भी लिया जाता है. इसका रीजन ये है कि अगर आपके जेनाइटल ट्रैक यानी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो प्रेगनेंसी होना मुश्किल है, और अगर होती है तो बच्चे में भी पास होने के चांसेस है. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन्फेक्शन का जांच करें. नेक्स्ट स्लाइड. इसके बाद आता है, जैसे महिलाओं का ब्लड टेस्ट हो गया, नेक्स्ट आता है अल्ट्रासाउंड.
अल्ट्रासाउंड से हम बेसिकली यूट्रस को देखते हैं, यूट्रस सही शेप का है कि नहीं, कोई पर्दा तो नहीं है उसके अंदर, कोई पॉलिप तो नहीं, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं. अगर कुछ दिक्कत होती है तो हम फिर 3D अल्ट्रासाउंड कराते हैं ताकि उसमें और अच्छे से कंफर्म हो जाए कि आखिर उसमें क्या प्रॉब्लम दिख रही है. लेकिन ये जान लें कि यूट्रस एक परछाई है, ये आंखों से नहीं देखा जाता, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि आखिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं. दूसरा, अल्ट्रासाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच है, वो है फॉलिकुलोमेट्री. हम ये जानते हैं कि अंडा जो है एक नॉर्मल मेंसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल में तीसरे से चौथे दिन में अंडा बनना शुरू हो जाता है. ये अंडा जैसे जैसे बनता है, ये इसमें से इसमें एक डोमिनेंट फॉलिकल जो बेस्ट हो वो बढ़ना पहले शुरू करता है और 14वें दिन के करीब ये फूट जाता है, ये मच्योर होकर फूट जाता है. तो यही अल्ट्रासाउंड से फॉलिकुलोमेट्री जिसे हम कहते हैं, जिसे TVS ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी यानी वेजाइना के थ्रू एक अल्ट्रासाउंड करके हम देखते हैं कि ये अंडा कौन डोमिनेंट फॉलिकल बना कि नहीं, ये बनने के साथ इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, ये अच्छे से प्रॉपर बढ़ रहा है कि नहीं, प्रॉपर बढ़ने के बाद ये फूट रहा है कि नहीं. इस स्टेज पे एक बात बताना चाहूंगी कि PCOD में यही एक प्रॉब्लम होती है कि अंडा में कोई भी डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बनता, बहुत सारे बढ़ने शुरू हो जाते हैं और कोई भी प्रॉपर मैच्योर साइज तक नहीं पहुंचता. क्योंकि अब अंडा फूट ही नहीं रहा है तो प्रेगनेंसी कैसे होगी, ये सारे छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं, ये हम अल्ट्रासाउंड से देखते हैं. दूसरा, हम अल्ट्रासाउंड से ये देखते हैं कि हमारे जो इंडोमेट्रियम यानी जो बेड है बच्चे के लिए, भ्रूण के लिए, वो कैसा ग्रो कर रहा है. ऐसा तो नहीं कि वो बहुत थिन है, वो ग्रो ही नहीं कर रहा हो, या उसमें कुछ एबनॉर्मैलिटीज दिख रही हो, पॉलिप दिख रहा हो, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो. थर्ड कैटेगरी जो हम देखेंगे स्त्रियों में वो है ट्यूब टेस्ट यानी एक्सरे या सोनोसाल्पिंगोग्राफी. एक्सरे से हम देखते हैं जिसे HSG कहते हैं, हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी, और एक और टेस्ट है सोनोसाल्पिंगोग्राफी. दोनों के प्रिंसिपल सेम है, दोनों में वजाइना से एक नली डाली जाती है और इसमें आपका यूट्रस में फ्लूइड डाला जाता है, पानी डाला जाता है, डाई डाला जाता है. सोनोसाल्पिंगोग्राफी में कुछ मेडिसिन ट्यूब डालते हैं और HSG में डाई डाले जाते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि दोनों ट्यूब से वो निकल रहा है कि नहीं पेट में, ताकि मतलब ये जान सके कि ये ट्यूब खुला है कि नहीं. अगर ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू होता है तो इसे सोनोसाल्पिंगोग्राफी यानी SSG कहते हैं, अगर ये एक्सरे के माध्यम से होता है तो इसे HSG कहते हैं. ये थोड़ा पेनफुल टेस्ट है. और एक चीज और है, बहुत बार लोग बताते हैं कि हमारे ट्यूब में ब्लॉक आ गया, HSG में ब्लॉक आ गया, तो ये 40% ब्लॉक जो HSG में आते हैं ये सही में ब्लॉक नहीं आते. बहुत बार पेन की वजह से भी ट्यूब सिकुड़ जाती है, या डाई प्रॉपरली नहीं गया, या एक्सरे प्रॉपरली नहीं हुआ, तो या क्लोजर, ये बहुत बार हमें ट्यूब क्लोज दिख जाते हैं. तो नेक्स्ट लेवल यानी इस सब इन्वेस्टिगेशन से अगर आपको कुछ डायग्नोसिस बनती है तो अच्छी है. अगर HSG में कुछ प्रॉब्लम दिखता है या अल्ट्रासाउंड में कोई पॉलिप दिखता है, तो नेक्स्ट स्टेप हम जाते हैं लैप्रोस्कोपी. लैप्रोस्कोपी को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है. लैप्रोस्कोपी का मतलब है आपकी नाभि में एक इंच का एक चीरा लगता है और एक दूरबीन से अपने आंखों से आपके अंदर के यूट्रस को हम देखते हैं, यानी बहुत मैग्निफाइड वर्शन देखते हैं. तो इसमें ट्यूब टेस्ट श्योरिटी रहती है क्योंकि एनेस्थीसिया में किया जाता है, तो इसमें ट्यूब जो है बंद है कि खुली है ये श्योरली पता चल जाता है. साथ में ओवरी में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई गांठ हो, तो वो भी ट्रीट कर दिया जाता है इसी टाइम, साथ साथ में एक ट्रीटमेंट. नेक्स्ट आता है हिस्ट्रोस्कोपी, जो ज्यादातर लोग पॉलिप या फाइब्रॉइड हो तो जरूर करके देखते हैं. ये मैग्निफाइड, ये इसमें कोई चीरा नहीं लगता, ये वजाइना से ही एक दूरबीन जाती है और आपके यूट्रस को बहुत मैग्निफाइड यानी बहुत बड़ा साइज में करके देख लेती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है. नेक्स्ट स्लाइड. अब आते हैं पुरुषों के जांच पे. पुरुषों के जांच में हिस्ट्री तो हम समझ ही चुके हैं कितनी इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जांच हम फर्स्ट विजिट में कराते हैं, वह है सिमेन एनालिसिस. सिमेन एनालिसिस यानी वीर्य की जांच. वीर्य में दो पार्ट है, एक तो उनका लिक्विड पार्ट जो ग्लैंड से आता है और एक होता है स्पर्म. तो हम क्या देखते हैं वीर्य में और वीर्य के रिपोर्ट में क्या क्या देखना होता है ये जानेंगे. और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स में जरूर देखते हैं कि उनके बाल कैसे आए हैं, उनका नेक्स्ट स्लाइड, स्क्रॉटम का साइज क्या है, अंडकोश में प्रॉपरली बन रहा है कि नहीं. अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो ऑफकोर्स आप एंड्रोलॉजिस्ट से मिलें. नेक्स्ट स्लाइड. अब देखेंगे वीर्य विश्लेषण यानी स्पर्म एनालिसिस, जो कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है. इसे बहुत प्रॉपर तरीके से होना इसका टेस्ट जरूरी, क्योंकि ये 50% कारण पता करना इससे हमारे लिए आसान हो जाता है. इसे प्रॉपर लैब में कराएं जहां पे आपका एक घंटे के अंदर टेस्ट होके रिपोर्ट हो जाए. एक घंटे के अंदर टेस्टिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्म बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव है. अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा हो तो ये डेड हो जाएंगे और फिर हमें कोई भी स्पर्म नहीं मिलेगा. इसे प्रॉपरली प्राइवेसी में ज्यादातर प्रेफर करें कि लैब के अंदर ही, अगर एक रूम हो तो वहां एक अपने ऑर्गन को क्लीन करके एक ओपन कंटेनर में आपको स्पर्म सिमेन देना है.
कोई कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डम नहीं यूज करना, कोई जेली नहीं यूज करना है, और आपस में 2 से 3 दिन का परहेज रखना जरूरी है। अगर 5 दिन से ज्यादा का परहेज ना रखें। अब जब स्पर्म आता है तो पहले हम मानते थे 30 से 35 मिलियन स्पर्म काउंट पर ml नॉर्मल है। नॉर्मली स्पर्म काउंट कम से कम 1.5 ml होना चाहिए, सीमेन काउंट वेरे कम से कम 1.5 ml होना चाहिए। अब 1 ml में कम से, आज जो नई मापदंड आ गए हैं, नए मापदंड आ गए हैं, और जो फर्टिलिटी जैसे डिक्रीज होती जा रही, कम होती जा रही, उसमें मापदंड बदल गए हैं। तो हमारे लिए जो सबसे कम मापदंड मानते हैं हम, वो है 15 मिलियन, यानी 1 ml स्पर्म में कम से कम 15 मिलियन स्पर्म जीवित होने चाहिए। उसके बाद आता है उसका गतिमान होना, यानी उसके मोटाइल होना। ये मानते हैं हम कि अगर 100 आपके काउंट अगर कहीं 100 है तो उसमें से 40 मोटाइल होने चाहिए, यानी गतिमान होने चाहिए, वो आगे की ओर बढ़नी चाहिए। तीसरी है उसकी संरचना, यानी उसका मॉर्फोलॉजी। उस स्पर्म में जनरली 3 पार्ट होते हैं, हेड जिसमें गैमेट जेनेटिक मटेरियल होता है, नेक जहां उनकी एनर्जी, और एक टेल जिसके थ्रू वो मूव करते हैं। अगर ये टेल स्पर्म कंसेंट्रेशन सीमेन एनालिसिस में, ये कम से कम 100 में से 4 स्पर्म नॉर्मल होने चाहिए, ये मॉर्फोलॉजी के बेसिक क्राइटेरिया है। अगर इतने नॉर्मल है तो हम उसको इतने इसके हिसाब से हम डिटरमिन करते हैं कि वो नॉर्मल एनालिसिस है कि नहीं। अगर मोटिलिटी प्रॉपर नहीं है तो उसको हम ओलिगो, काउंट कम है तो ओलिगो मानते हैं। अगर स्पर्म के मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम है तो टेराटो। और फिर हमें और वापस से इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट स्लाइड, पुरुष अगर स्पीमेन एनालिसिस में जब प्रॉब्लम आती है तो फिर हम फर्दर उनके ब्लड टेस्ट कराते हैं, उनके हार्मोन एनालिसिस देखते हैं जिसमें थायराइड, प्रोलैक्टिन, शुगर टेस्ट होता है, एज वेल एज जो हार्मोन्स FSH, LH हार्मोन्स कैसे चल रहे हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, कैरियोटाइपिंग, अगर बिल्कुल जो है आपके जेनेटिक मटेरियल में कहीं कोई कमी तो नहीं है जिसकी वजह से स्पर्म नहीं बन रहे हों। और एक ड्यू टेस्ट है जो DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, ये दिखाता है कि सब क्वांटिटी नॉर्मल होने के बाद भी कि क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी कभी कभी पुअर होती है, वो हम DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट से पता कर सकते हैं। तो आज तो हमने नेक्स्ट स्लाइड, पुरुष की जांच के बाद उसे डिटरमिन किया जाता है कि वो सामान्य है, उसकी क्या ट्रीटमेंट, क्या दवाई देनी होगी, सुई देनी होगी। एक चीज जान लीजिए कि पुरुष में जो ये स्पर्म बनने की प्रक्रिया है, ये पूरे 3 महीने टाइम लगते हैं। अगर एक रिपोर्ट नॉर्मल है तो आप पैन एबनॉर्मल है या गलत नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप पैनिक मत होइए। 3 महीने में बहुत बार कोई स्ट्रेस फैक्टर, कोई इन्फेक्शन, कोई फीवर ये रिपोर्ट को गड़बड़ कर सकता है। तो हम ज्यादातर जब तक 2 रिपोर्ट एबनॉर्मल ना हो हम एबनॉर्मेलिटी नहीं मानते हैं। 3 मंथ्स आपको हेल्थ पॉइंट से इम्प्रूव किया जाता है, स्ट्रेस कम लें, आप जो है खान पान अच्छा करें, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स दी जाती है ताकि आपकी सेकेंड रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए, और बहुत बार दवाओं से ये ठीक हो जाता है। तो आज के डिस्कशन में हमने ये जाना है, ऑलमोस्ट हमने ये जाना है कि हमारा कारण क्या है। एक तो पहली चीज कि अब कोई बांझपन जैसा शब्द है ही नहीं। आज जो भी कपल्स नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, मेडिकल साइंस में इतने ऑप्शंस हैं आपके लिए कि आप जरूर कंसीव कर सकते हो। और ये सब फर्टिलिटी एक कॉन्सेप्ट है, एक नया टर्म है जो ये श्योरिटी देता है कि आप जरूर प्रेगनेंसी पा सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीधा दवाएं शुरू नहीं कर दीजिए, एक मोटा फाइल लेके मत आइए। पहले आप कोशिश कीजिए जानने का कि आखिर कारण क्या है जो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर निवेदिता हमारे आज के टॉपिक पे इतने विस्तार से बात करने के लिए। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, सो दैट यू कैन आंसर देम। या आई कैन आई सी द क्वेश्चंस आल्सो वेयर दे आर? Yes, it's there on the chart. हाँ, chart में है. Some questions are on chart, some questions are on question answer. So I'm reading the first question. Yeah. I'm Anuradha from Patna. Married for 3 years, and I'm trying to conceive, but there is no success for the last 2 years. I showed myself to the gynecologist for the last 1 year. One time conceived but no proper growth, so miscarriage hua 1 mahina 15 din ke baad. Now reference IUI, but my coronavirus situation say I don't know what to do. My age is 33. My menstrual cycle is 25 to 30 day. My question is when day I should get pregnant? What should I do?
ओके हेलो अनुराधा, आपकी एज तो 33 है और साइकिल अगर 25-30 डेज का है तो मैम ये मानती हूँ कि नॉर्मल है साइकिल, और आपके बेसिक टेस्ट अगर हो गए हैं और सब नॉर्मल है तो आप नॉर्मली ट्राई कर सकते हैं। जनरली अंडा फूटने का 12-14 टाइम है जब अंडा फूटता है, इस टाइम अच्छा टाइम है जब आप ट्राई कीजिए, लेकिन श्योरिटी हम ऐसे नहीं दे सकते। बेस्ट है कि अगर आप अल्ट्रासाउंड के द्वारा फॉलिकुलोमेट्री कराइए, क्योंकि एक की लाइफ 24 घंटे की होती है, तो अगर फॉलिकुलोमेट्री में एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आज अंडा बनना है, आज इसको फूटना है, तो उस समय अगर आप हस्बैंड के साथ संपर्क करेंगी तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस आपके ज्यादा अच्छे रहेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू डॉक्टर। उसी चैट में देयर इज अनदर क्वेश्चन। The person has asked in Hindi. You can just come down. Mm-hmm. So, मेरा नाम सोना मंडी है। मेरा हस्बैंड का एज 30 इयर्स है, वेट 87 केजी है। उसके खिचुनी होते हैं महीने में, इसलिए वो 1800 mg की दवा लेते हैं हर दिन। वो स्मोकिंग करते हैं बहुत ज्यादा। सीमन का 30% to 40%। क्या हमारा बेबी होगा? वो WBP में काम करते हैं। सोमा, अगर वेस्ट बंगाल पुलिस मैं समझूं, अगर क्योंकि आपके हस्बैंड का जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है, तो नेचुरल है कि स्पर्म काउंट कम हो रहा है। एज 30 है लेकिन वेट 87 की चीज ज्यादा है। आपकी बेबी होगी, लेकिन आपको एक प्रॉपर सिमेन एनालिसिस की जरूरत है, क्योंकि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। स्मोकिंग छोड़ के एक प्रॉपर सिमेन एनालिसिस कराइए। बहुत बार रिपोर्ट 3 महीने में बदल जाती है, जैसा कि आपको बताया 3 महीने में बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से कभी रिपोर्ट अच्छी या बुरी हो जाती है। तो एक प्रॉपर सिमेन एनालिसिस करें और जरूर इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिले, टाइम वेस्ट ना करें। और हस्बैंड को आपके थोड़े लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जैसे वेट रिडक्शन, स्मोकिंग कम करना, ये बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू डॉक्टर। अभी वी आर मूविंग टू क्वेश्चन आंसर सेशन। वी हैव 5 क्वेश्चंस ओवर देयर। आई विल रीड वन बाय वन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हेलो मैडम, व्हाट इज पॉलीप्स, हाउ टू क्योर द प्रॉब्लम? ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? पॉलिप इज अ ग्रोथ। पॉलिप बेसिकली एक ग्रोथ होता है हमारी इंडोमेट्रियम से। इंडोमेट्रियम यानी यूट्रस के सबसे अंदर वाले लेयर का। ये अंगूर की तरह होता है, इसके साइज वेरी करते हैं। इसका क्योर बेसिकली सर्जिकली होता है, सर्जिकली इसे रिमूव करना। अगर आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट हो तो, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो पॉलिप को रिमूव करना इंपॉर्टेंट है, या अगर आपको पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ रही है, स्पॉटिंग आ रही है, तो पॉलिप को रिमूव करना जरूरी हो जाता है। Thank you, doctor. Second question. Okay. If someone has done family planning operation at the age of 26 years, when does it having any side effect on general health of women? Will it increase aging process in women quickly in terms of hormone? 37 or 27, what is the age? 26. 26 okay. She has done family planning operation. 26. Okay. No, it doesn't affect any on your part. It's that your hormonal effect is no. There's no hormonal effect. It's not increases the aging process, because it is a tube that is affected, not the ovaries. Aging process depends on the ovaries. So I think your ovaries are perfect. That's why you don't have any aging effect due to tubal block, tubal procedure. Thank you. Next question. Yeah. What is normal value of estradiol test for 39 years old female for conception? Estradiol, ये डिपेंड करता है एट व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू गेट द एस्ट्राडियोल टेस्ट। देयर इज पर्टिकुलर इन पिकोग्राम्स एंड नैनोग्राम्स, और एज डिफाइंड देयर इज अ डिफरेंस। वो एस्ट्राडियोल की टाइम दैट डिपेंड्स ऑन द व्हाट टाइम ऑफ पीरियड यू आर गोइंग। इट्स नॉट ऑन अ स्पेसिफिक डे कि आज इतना रहेगा, इट्स नॉट स्पेसिफिक थ्रू आउट द मंथ। डिपेंडिंग ऑन द डे ऑफ द साइकिल इट चेंजेस। कैन यू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, next question. I'm 32 years male. My morphology is 90% normal and my motility is 30% active. Is it okay? Your morphology is 90 and your motility is 30%. Now, motility has to be at least 40%. That is the lower limit for motility. So your motility is less. It has to be 40%. So I will suggest you ki agar ye ek semen analysis is this single semen analysis report, you should go for another one also after a gap of 3 months from the first one. Okay. Next question, ma'am.
I have turned 35 today. My TSH is 4.370 and my AMH is 5.9. I'm trying to conceive for the last 2 years, but no successful as all my reports are normal. Should I go for IUI or IVF? Because your age is on higher side or aapka, is it, do you have PCO or aapne apna tubal test karaya hai ki nahi? IUI se pehle, first before IUI, you need to have your tubal test. And your AMH is on higher side. The optimal AMH for pregnancy is 2.5 to 4.5. You have a bit higher side. So I'm suspicious whether you have polycystic ovary or not. If there is no polycystic ovary, you have normal cycles, then you can move to IUI because age is not on the right side. Next. Okay. Ma'am, there's another question which is not in the app here, but I'll just read out. I am Zainab Ali Hussein, age 33. My husband age is 36 years. I have hypothyroidism, but with medicine, it stays at normal limit within 4.9, within 4. 9 years of marriage. First ectopic in 2016. जिसमें राइट जून कट किया है. सेकेंड और थर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी विद इन 2017. आफ्टर दैट आई डिड नॉट हैव एनी प्रेगनेंसी. ऑन डूइंग एसएनजी गॉट टू नो लेफ्ट ट्यूब हैज सम प्रॉब्लम. फॉर दैट डॉक्टर गेव मी 10 स्टीरॉइड इंजेक्शंस, आफ्टर विच हाइड्रोट्यूबेशन डन, वेयर रिजल्ट्स वेयर गुड. माई हस्बैंड हैज लो स्पर्म काउंट एंड लो मोर्टेलिटी, दो विद मेडिकेशन इट इंक्रीजेस, बट अगेन इफ मेडिसिन इज नॉट taken, it decreases. Premature ejaculation problem also he has. In an IVF center, doctor advised me to go for laparoscopy. Please suggest, I want to have IVF. Or agar aap cost bhi batate, to acha hoga. That is your question. Okay, agar IVF you want to, because what is her age? Just I want to know. 37. Okay. Laparoscopy husband is 13. Husband is 39. Okay, I got this. Yeah, because you have two ectopics in both the seed sites, laparoscopy. Yeah, is there anything you want to... Wife is 33, not 36. Okay, yeah, 33. Yeah. Okay, but you have two ectopics, both on the, I think, on the either of the side, one is already removed and another one is ectopic. So it is better for you to move now to the IVF because you can go for laparoscopy as doctor has suggested to rule out many other causes like endometriosis and tubal and other factors to check through it. Because laparoscopy is good for you and cost varies. Cost is basically divided in two parts, either the lab charges and the medicines. So what injections you will get will be determined on number of factors like your AMH, like your ultrasound, how follicles are growing, and then lab charges are there, whether you want to preserve the blastocyst and the embryos. So naturally, we cannot give you a particular cost. It varies depending on both these things. Okay. There is another laparoscopy question, as well as hysteroscopy is also suggested for you because with laparoscopy you need hysteroscopy. Okay. Yeah, next question. There is another question. Yeah, is there any diet by which I can increase my motility? Actually, there is no particular diet, but what we suggest is to have antioxidants in the diet. Antioxidant, that is tablets we also give of antioxidant, and in the diet that include more fruits, vegetables, omega-3 fatty acids. These are the process that naturally increases the sperm motility. At the same time, vitamin D supplementation, if you are not exposed enough to the sun, you need vitamin D supplementation. But there's no particular diet which can guarantee that it will increase the motility. These are just the treatment that adjuvant, that can they can add along with the main factors. Okay, docs, there's another question. My question, conceive nahi ho raha hai, sab report normal hai. Last year se sab kuch theek hai. My question is, tension free ho jane ke liye kya karun? Tension free ho jane ke liye? Aapke sare reports normal hain. Or what is your age or AMH? Tension free hone ke liye to jab tak aapko pregnancy nahi hogi, aap tension free ho hi nahi sakte. So you should meet the consultant, you should meet the doctor, infertility consultant to get tension free. You should know what is wrong. Or jab tak pregnancy nahi hogi, you are not going to be tension free. Next. Yes, I think that's it, doctor. No more questions. Okay. One second, let me just check. One second. Ek bar main fir se check kar leti hun. Yes. Okay. So that's it, doctor. No more questions, actually. So thank you so much. Aapne sare prashno ka uttar diya. Aur sabhi participant ko bahut dhanyawad. Aap logon ne actively participate kiya and then
ऑल्सो आपके थोड़े क्वेश्चंस भी यू नो वी वर एबल टू आंसर. तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि कल का हमारा, कल हम फिर से 4 बजे वेबिनार हमारा होगा और हमारा कल का टॉपिक रहेगा अगर IVF में बार बार फेलियर होता है तो क्या करना चाहिए. तो जो भी आज आपने लोगों ने प्रश्न पूछा है उसके बारे में ज्यादा डिटेल कल आप लोगों को 4 बजे जानने को मिलेगा. तो इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ सब लोगों से कि कल फिर से 4 बजे आप लॉग इन हो जाइए ताकि आप जान सके कि बार बार IVF फेलियर होने के कारण क्या है और हम इसलिए क्या कर सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर निवेदिता, थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑल ऑफ यू. Stay safe. Thank you. The pleasure is mine. Thank you. Shall I log off? Yes.